नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज। मैं हूँ रिधि शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं मारो राजस्थान की, राजस्थान की कुछ खबरों के साथ। दौसा में भारत माला प्रोजेक्ट के दौरान हाईवे बनाने वाली कंपनी से 5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए आरएस पुष्कर मित्तल को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने गुरुवार को जमानत दे दी। जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने जमानत देने का फैसला सुनाया। एसीबी द्वारा चार्जशीट पेश न करने के आधार पर जमानत मांगी गई थी। राज्य सरकार ने आरएस पुष्कर मित्तल को निलंबित कर दिया था। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में गुरुवार से 45 साल से 59 साल तक की उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों सीएचसी पीएचसी में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका। जयपुर जिले में 300 वैक्सीनेशन सेंटर है, जिनमें से जयपुर शहर में 180 है। शहर के ज्यादातर अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। जोधपुर में सर्वर की दिक्कत के कारण टीका लगवाने वालों को कुछ परेशान होना पड़ा। राज्य के कुछ शहरों में सेंटर्स पर शुरुआती दौरे में कम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं उनमें वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में, ओनली ऑन डेली हंट। देश भर में साइबर अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही एक मामला उदयपुर में सामने आया, जहां साइबर ठगों की ओर से राजस्थान पुलिस के डीआईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई की फर्जी आईडी बनाकर लोगों से चैटिंग की जा रही थी। गुरुवार को जब डीआईजी बिश्नोई को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी फेक आईडी के खिलाफ उदयपुर पुलिस अध्यक्ष कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। राजस्थान पुलिस में डीआईजी कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से फेक अकाउंट बनाया गया था, जिसके माध्यम से हैकर उनके परिचित व्यक्तियों से सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत कर रहा था। इस दौरान हैकर द्वारा कुछ लोगों से अनगढ़ बातचीत भी की गई। इसके बाद उनके परिजनों को शक हुआ और उन्होंने बिश्नोई को फोन कर इस बारे में जानकारी दी। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tnivaaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ। अलवर जिले के थाना गाजी के भीकमपुरा गांव में सेना भर्ती में भाग लेने से पहले दौड़ का अभ्यास कर रहे एक 18 साल के युवक महेंद्र सिंह को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। अलवर में 20 अप्रैल से सेना भर्ती है। युवक उसी भर्ती में भाग लेने के लिए अन्य साथियों के साथ रोड पर ही दौड़ लगा रहा था। पीछे से आते एक अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा 73% नंबरों से पास की थी। हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट, ओनली ऑन डेली हंट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 18 विपक्षी दलों को लिखी गई चिट्ठी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ममता का समर्थन किया। ममता द्वारा केंद्र पर बंगाल समेत दूसरे राज्यों का फंड रोकने के आरोपों का गहलोत ने सोशल मीडिया पर खुलकर समर्थन करते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया। गहलोत ने लिखा, इस मुद्दे को मैंने भी असेंबली में उठाया था। केंद्र सरकार राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री को ऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रही है, दूसरी तरफ राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। घरडाना के दो बदमाशों के गुट ने बदले की जंग में वाहनों में जबरदस्त तोड़फोड़ की। एक गुट ने चिड़ावा से घरडाना खुद्र के बीच चलने वाली रूट की निजी बस में तोड़फोड़ की, जिससे करीब
15 मिनट तक यात्री दहशत में रहे। यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर और खेतों में छिपकर जान बचाई। इसका बदला लेने के लिए दूसरे गुट ने बस में तोड़फोड़ कराने वाले आरोपी के घर में घुसकर 3 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी और हवा में रिवॉल्वर फायर करी। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। उदयपुर के वल्लभगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुखबुगाहट के साथ ही प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। गुरुवार को प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह भी वल्लभ नगर में होने जा रहे घुमंत जाति के सम्मेलन में शामिल होने के लिए अपने 2 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचेंगे। इस दौरान खाचरी आवास वल्लभ नगर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं से फीडबैक लेंगे। वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन उदयपुर में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी लेंगे। इस दौरान प्रताप सिंह उदयपुर में चिरंजीवी राजस्थान अभियान की शुरुआत करेंगे। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट। मंदिर पर मंडप में अग्नि के सामने शादी के मंत्र बोलते पंडित जी हैं। यहाँ पूरी शादी का माहौल है। गांव के लोग खुशियां मना रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है, लेकिन ये शादी लड़के लड़की की नहीं बल्कि नाबालिग लड़कों की है। गांव में होली पर इस अनूठी परंपरा में 2 नाबालिग लड़कों की शादी कराई गई। ये अनूठी परंपरा और तस्वीर आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले के बड़ोदिया गाँव की है। लड़कों की शादी के पीछे गाँव वालों की मान्यता है कि इससे गाँव में खुशहाली रहती है। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। तेल कंपनियों ने 3 महीने में रसोई गैस सिलेंडर की दर में 4 बार बढ़ोतरी के बाद गुरुवार को मामूली राहत दी। बुधवार देर रात घोषित नई दरों के अनुसार अब रसोई गैस सिलेंडर पर 10 रुपए सस्ता कर दिया गया। इसके साथ ही जयपुर में इस 14 किलो गैस सिलेंडर की कीमत अब 813 रुपए हो गई। LPG की दरों में इससे पहले 3 बार वृद्धि की गई थी। मौजूदा समय में सिलेंडर से सब्सिडी पूरी तरह खत्म कर दी गई। 1 जनवरी से 31 मार्च तक रसोई गैस की दर में 125 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही हैं, ओनली ऑन डेली हंट। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार सख्त हो गई। अब 8 की जगह 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। चित्तौड़गढ़ और आबू रोड का नाम भी लिस्ट में जोड़ दिया गया। पूरे प्रदेश के बाजार अब रात 9 बजे से बंद हो जाएंगे। पहले बाजार बंद होने का समय 10 बजे और नाइट कर्फ्यू का समय 11 बजे तक किया गया था, लेकिन कोरोना केस बढ़ने के बाद अब सख्ती बढ़ाते हुए समय और कम कर दिया गया। 8वीं तक के स्कूल बंद करने पर भी फैसला जल्द कलेक्टर ले सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कोरोना कोर ग्रुप की बैठक लेकर नई गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई। राजधानी जयपुर समेत कोरोना प्रभावित 10 शहरों में सख्ती लागू की जाएगी। गृह विभाग ने बुधवार रात को 30 अप्रैल तक के लिए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए TNI आवाज़।